आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। घाटशिला अनुमंडल के घाटशिला प्रखंड के नवाब कोठी में शौर्य चक्र विजेता एवं नवाब कोठी छोटा जामा मस्जिद कमेटी के बीच विवाद चला आ रहा है, लेकिन कल विवाद तब और गहरा हो गया जब जामा मस्जिद कमेटी के लोगों ने जबरन दीवार तोड़कर वहां गेट लगा दिया। पिछले कई महीनों से इन दोनों के बीच विवाद होता रहा था। इसी बीच नवाब कोठी छोटा जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने अपने दीवार को तोड़कर वहां पर गेट लगाने का काम कर रहे कमेटी के सदस्यों को दीवार तोड़ने से रोकने का प्रयास मोहम्मद जावेद ने किया। उस पर कमेटी के लोगों ने विवाद खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार जामा मस्जिद कमेटी के बीच 69/2006 ओकेवाड़ा का निष्पादन किया गया था, जिसमें एक प्लॉट पर आने के लिए सड़क भी रजिस्ट्री डेट वर्णित है। इस डील को नामांतरण भी किया गया है। तब से कमेटी वाले भी इसकी लगान देते आ रही है। इसी प्लॉट से सटे शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद का घर बना हुआ है। इस पद से मस्जिद में आने जाने वाले लोगों को मोहम्मद जावेद आना जाना करने देना नहीं चाहते एवं सड़क में बाइक एवं कार भी पार्क करने का विरोध किया करते हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा सड़क में नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया गया ताकि दोनों के बीच आपसी विवाद ना हो। लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सदस्यों के द्वारा गुरुवार को मस्जिद की दीवार तोड़कर अपना गेट लगाया जा रहा है। इसी बात को लेकर शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद ने एसडीओ कार्यालय के सामने धरना पर बैठ गए। जानकारी हो कि शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया घाटशिला शाखा में पदस्थापित है। मामले को लेकर शौर्य चक्र विजेता का कहना है कि जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं धरना पर बैठा रहूंगा। अगर दो दिनों के अंदर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं अपना शौर्य चक्र जमशेदपुर डीसी को सौंपकर झारखंड छोड़ दूंगा। अगर झारखंड में शौर्य चक्र विजेता का कोई सम्मान नहीं है तब उस राज्य में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है। घाटशिला से कमलेश सिंह की रिपोर्ट। झारखंड को गौरवान्वित किया हो, शौर्य चक्र विजेता हो, जब एक शौर्य चक्र विजेता के लिए 4 साल लगता है सर एक जस्टिस पाने के लिए, उसके बाद भी हमको जस्टिस नहीं मिल रहा और मेरे साथ प्रताड़ना, मेरे फैमिली के साथ प्रताड़ना, सारे लोग मिलके ऐसा करती है सर कि मेरे लिए एक दिन पार करना मुश्किल है। क्या ये मेरा जो स्टेप है मैं एकदम सही तरीके से सोच के कर रहा हूँ? मुझे मस्जिद से कोई आपत्ति नहीं है, उनका रास्ता पहले ही लोगों ने बंद किया और अब मेरी तरफ से रास्ता खोल रहे हैं। ये रास्ता जब पहले था ही नहीं सर तो अभी क्यों तोड़ा गया है? इसका तोड़ने का वीडियो भी हमारे पास है, 4 साल से हम कंप्लेन कर रहे हैं, किसी तरह का कोई कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। मेरे पर कंप्लेन करने के बाद 2016 का 2017 में उसका म्यूटेशन करके आज जब म्यूटेशन हो गया, जब वो कागज से पक्के हो गए तो एक षड्यंत्र के तरह उसको तोड़ा जा रहा है और अभी हमको बोला जा रहा है कि वो म्यूटेशन वाला है। सोचिए सर कि और उसके लिए मैंने इवन डीसी साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, पीएमओ ऑफिस, मैंने सब जगह लिख लिख कर थक गया। सब वो बोलते हैं कि ये सिविल का मैटर है, वो बोलते हैं ये हमारा मैटर नहीं है, वो बोलते हैं हमने सीओ को लिखा, सबको लिखा था, ऊपर से लिखा सीधा आता है। पहले उपाया कि टॉयलेट नहीं बनाया जाए, टॉयलेट बना के रास्ता को संक्रीन कर दिया गया दूसरी तरफ वाला जो मेन रास्ता था। और ये मेरे साथ आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं अपने सारे सम्मान, अगर आप सम्मान देते हैं किसी, जब आप अपमानित कर रहे हैं हमको समाज में रखते, तो सर मेरे लिए बहुत दुखद पल चल रहा है। जय हिंद सर। अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा तो ये सोच लेंगे एक तरह से फौज के लोग जो अपने प्राणों का आहुति देके फौज में काम करते हैं और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी जान देते हैं, उनके जमीन कौन देखेगा सर? हम तो यहाँ पे हैं, हम तो फौज में रहते हैं और ये लोग उसको मैनिपुलेट करके उसको घुमा के इस कदर पे कर दिया गया था कि हम 4 साल से जब एक अधिकारी हो गए हमारे को जस्टिस नहीं मिला, तो सर आप सोच सकते हैं कि साधारण व्यक्ति को क्या मिलेगा? मैं बहुत विधि सर, बहुत
दुखी हूँ। हमारे फैमिली को रोज थ्रेट मिलता है, 10 लोग आते हैं, कितने लोगों को लें, मैं व्हाट्सअप करके लेटर लिखते हुए पागल हो गया था 4 साल तक, मगर उनका जो इच्छा उन्होंने गेट बंद कर दिया दूसरे तरफ का, आप गेट बंद करके इधर से गेट खोला था उन्होंने खोल भी दिया ऐसा, तो ये क्या है, हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा तो मैं झारखंड को छोड़ के ही चला जाऊंगा, कम से कम एक जो प्रतिष्ठा है उसको इज्जत बचाना है, अगर कुछ मेडल मिला है तो देर आर सेंटिटी अटैच विद द मेडल, अगर नहीं उसको कर सकते हैं सर तो हमको यहाँ छोड़ के ही जाना पड़ेगा। जय हिंद। और इसीलिए मैं लास्ट रिसोर्ट में ये धरना जो मैं दिया हूँ सर, ये मेरा लास्ट उपाय है, क्योंकि मैंने लिख लिख के थक गया, सब लोग इधर से उधर बोलते हैं कि डीसी को लिखो, को बोलते हैं डीसी LR को लिखो, को बोलते हैं CO को लिखो, सर कहाँ लिखना है क्या लिखना है, हम तो बहुत सारे क्योंकि हम लोग इस भूमि विभाग से नहीं है, हम लोग फौज से हैं सर, हमको हेल्प करने का सर्विस भी दिया गया मगर हमारे साथ और नाइंसाफी हो रहा, NGO का ऑफिस के सामने हम आज धरना बैठे हुए सर, 2 दिन हम कंटिन्यू धरना में बैठेंगे अगर हमको जस्टिस नहीं मिलेगा, और इसके बाद डीसी ऑफिस में जाकर अपने सारे चीज वापस कर देंगे। जय हिंद।